बीते रविवार यानी 19 मई का दिन पूरे ईरान के लिए काफी टेंशन भरा रहा जब खबर आई कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है जिसके बाद बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गया लेकिन खराब मौसम के चलते हादसे के करीब 18 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वहां किसी के जिंदा होने के सबूत नहीं मिले इस खबर से मानो ईरान के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो इस हादसे में राष्ट्रपति रायसी समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई दावा किया जा रहा है कि अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में विमान की हार्ड लैंडिंग हुई हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहेन ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर और कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी यात्रा कर रहे थे बताते चलें कि रायसी के काफिले में तीन हेलीकॉप्टर्स थे इनमें से दो हेलीकॉप्टर में मंत्री और अधिकारी सवार थे ये दोनों हेलीकॉप्टर सुरक्षित वापस लौट आए ईरानी मीडिया का कहना है कि खराब मौसम ही दुर्घटना की वजह बना है मौसम के चलते ही बचाव अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन की गति काफी धीमी रही जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के नेता सवार थे वो बेल 212 हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जिसे बेल 212 के नाम से भी जाना जाता है यह 1960 के दशक का हेलीकॉप्टर है इसे अमेरिका की कंपनी बेल टेक्सटॉन इंक ने बनाया था बेल 212 हेलीकॉप्टर कंपनी के आइकॉनिक मॉडलों में से एक था जो कि 15 सीटों वाला था न्यूज एजेंसी अल जजीरा की माने तो ये एक मीडियम साइज का दो इंजन वाला हेलीकॉप्टर है इसका इस्तेमाल सिविलियन कमर्शियल और सेना के लिए किया जाता है यह हर तरह के हालातों के लिए अनुकूल है इनमें लोगों को ले जाना हवाई अग्निशमन माल ढोना और हथियार लाना शामिल है इसमें एक पायलट और चौदह लोगों के बैठने की जगह होती है इस हेलीकॉप्टर में दो ही ब्लेड होते हैं इसीलिए इसे टू ब्लेड हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है बेल टू ट्वेल्व हेलीकॉप्टर पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली और विश्वसनीय माना जाता है यही वजह है कि परिवहन से लेकर सर्च ऑपरेशन और सैन्य अभियानों के लिए इसकी डिमांड बढ़ने लगी इन सब खास बातों के बीच बेल टू हेलीकॉप्टर हादसे का भी शिकार हुआ है साल उन्नीस में यह हेलीकॉप्टर लुइसियाना के तट पर क्रैश हुआ था इसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी साल 2009 में बेल टू ट्वेल्व हेलीकॉप्टर कनाडा में क्रैश हुआ था इसमें 17 से 18 लोगों की मौत हुई थी इसके अलावा साल 2018 में भी ये हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था जिसमें चार लोगों की जान चली गई थी ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने के बाद कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं जहां एक और ईरान अपने डिफेंस सेक्टर में लगातार नई उपलब्धियां रच रहा है ईरान मिडिल ईस्ट में नई धुरी के रूप में उभर रहा है उस बीच ऐसी घटनाएं शक का दायरा बढ़ा रही हैं। बीते साल ही ईरान के दूसरे ब्रिगेडियर जनरल यूसुफ कुर्बानी ने कहा था कि ईरान की रक्षा क्षमताओं पर कभी समझौता नहीं किया जा सकता है और ना कभी किया जाएगा इस बीच ऐसी खबर ने ईरानियों में हलचल बढ़ा दी है कुर्बानी ने यह तक दावा किया था कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान ने उच्च स्तर की युद्ध तैयारी हासिल कर ली है माना जा रहा है कि ईरान इसे महज हादसा न मानते हुए साजिश के तहत भी जांच करेगा वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की माने तो अभी ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनके आधार पर इसे इस साजिश कहा जा सके इस बीच कुछ ईरानी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे काफिले के दो हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और जिस हेलीकॉप्टर में रायसी सवार थे वो क्रैश हो गया बहरहाल आने वाले दिनों में सभी आशंकाओं से पर्दा हट जाएगा